प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एम एन रॉय के मार्क्सवाद के प्रति दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एम एन रॉय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है, ये प्रारंभिक जीवन के प्रारंभिक दौर में राष्ट्रवादी दौर के पश्चात राय मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हुए थे। उन्होंने मानव के समग्र कल्याण के लिए राष्ट्रवाद एक अत्यंत संकीर्ण धारणा प्रतीत हुई। मार्क्सवाद में उन्होंने मानव की मुक्ति का संदेश सुनाई पड़ा। मार्क्सवाद के प्रति राय का दृष्टिकोण दो चरणों में विभाजित करके समझा जा सकता है। पहला चरण है, प्रथम चरण में राय की वैचारिक यात्रा के उस दौर को व्यक्त करता है जबकि वे कट्टर मार्क्सवादी थे। इस चरण में उनके विचारों में मार्क्स के दर्शन तथा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के मार्क्सवादी विश्लेषण के प्रति सहमति के बिंदु मुखर हुए हैं। द्वितीय चरण राय के वैचारिक विकास के उस काल को व्यक्त करता है जब वे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से अनेक वर्षों तक निकट से जुड़े रहने के पश्चात लेनिन व मार्क्स के चिंतन की अपूर्णताओं और अपर्याप्तताओं पर दृष्टिपात करने लगे थे और एक ऐसे समग्र चिंतन की आवश्यकता अनुभव करने लगे थे जिसमें आर्थिक अभावों, सामाजिक निर्योग्यताओं और दमनकारी राजनीतिक शक्ति सभी से मनुष्य की मुक्ति को एक साथ सुनिश्चित किया जा सके। इस दौर के चिंतन में उनके विचारों में मार्क्स के दर्शन और दृष्टिकोण से असहमति के बिंदु मुखर हुए हैं। रॉय के विचारों में मार्क्सवाद के प्रति सहमति और असहमति के बिंदुओं का विश्लेषण हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें पहली बार हम लोग लेंगे मार्क्स से सहमति के संदर्भ में। विश्व की परिस्थितियों की व्याख्या की मार्क्सवादी पद्धति से रॉय अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने मार्क्स की प्रशंसा करते हुए इसे इतिहास में नई बौद्धिक क्रांति की संज्ञा दी कि एक ही बौद्धिक नई क्रांति है। उन्होंने कहा, वास्तव में मार्क्सवाद मानव द्वारा अब तक अर्जित किए गए ज्ञान का उच्चतम स्वरूप है। यह सभ्यता के आदिकाल से अब तक अर्जित मानवीय अनुभवों के संचित भंडार पर आधारित है। ये मानवीय विरासत है, ये दर्शन का उच्चतम स्वरूप है। राय ने मार्क्सवाद को संपूर्ण मानवता के भावी दर्शन की संज्ञा दी और कहा कि ये मानव के समग्र अतीत का सकारात्मक परिणाम है। पहला पॉइंट है विचारों का भौतिकतावादी आधार। राय के चिंतन में भौतिकवादी विचार आधारभूमि से सहमत थे। रॉय मार्क्स के चिंतन की भौतिकवादी आधारभूमि से परिचित थे, सहमत थे। उन्होंने मार्क्स की इस धारणा से सहमति व्यक्त की कि विश्व का स्वरूप भौतिक कारकों से निर्धारित होता है। क्या कहा उन्होंने कि विश्व का स्वरूप भौतिक कारकों से निर्धारित होता है और विश्व में घटित होने वाले परिवर्तन भी भौतिक परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। विश्व में कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे भौतिक कारण होते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन यानी कि विश्व में घटित होने वाले परिवर्तन भी भौतिक परिस्थितियों से के ही परिणाम होते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति की प्रशंसा। राय ने मार्क्स के विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति की प्रशंसा की, एडमायर किया। राय ने मार्क्स को यह श्रेय दिया कि उन्होंने प्रथम बार आर्थिक प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक व्याख्या की तथा विश्व में विद्यमान अन्याय, असमानता, शोषण के लिए पूंजीवाद को उत्तरदायी ठहराने के लिए ठोस तथ्य और तार्किक आधार प्रस्तुत किए। तीसरा पॉइंट है पूंजीवाद की आलोचना से सहमति। रॉय पूंजीवाद की मार्क्स द्वारा की गई आलोचना से सहमत थे। वे स्वीकार करते थे कि विश्व में
विद्यमान तनावों, शोषण और अशांति का मुख्य कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। इन सब का कारण क्या है? विश्व में जो तनाव है, अशांति है और शोषण है, इसका मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था है। वे मार्क्स की भांति ये स्वीकार करते थे कि आर्थिक प्रणाली के रूप में पूंजीवाद का पतन अवश्यंभावी है, किंतु इसके लिए श्रमिक वर्ग को संगठित होकर निर्णायक संघर्ष करना पड़ेगा। इस निर्णायक संघर्ष के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद की समाप्ति निश्चित रूप से होगी। तो पूंजीवाद की आलोचना से मैं इससे सहमति है। चौथा पॉइंट है राष्ट्रवाद की आलोचना का समर्थन। मार्क्स के चिंतन में संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। सर्वारा वर्ग की विश्वव्यापी चेतना मार्क्स के दर्शन की प्रेरक शक्ति थी। मार्क्स ने पूंजीवाद के पतन के पश्चात एक विश्वव्यापी समाजवादी व्यवस्था का स्वप्न देखा था। राय मार्क्स के इस दृष्टिकोण से सहमत थे कि राष्ट्रवाद श्रमिक वर्ग की विश्वव्यापी चेतना के विकास और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए राष्ट्र का सीमाओं से परे विश्व भर के लोगों की एकता के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करता है। उनका मत था कि राष्ट्रवाद के आवरण में पूंजीवादी और शोषणकारी शक्तियां अन्याय और शोषण के प्रतिकार के लिए संघर्ष हेतु शोषित वर्गों के लिए संगठित होने में बाधाएं डालती हैं। अगला पॉइंट है चिंतन का मानववादी स्वर। राय के अनुसार मार्क्स के चिंतन का केंद्रीय लक्ष्य मानव कल्याण था। रॉय के अनुसार मार्क्स के चिंतन का केंद्रीय तत्व क्या था? मानव कल्याण। मार्क्सवाद के प्रति अपने आकर्षण के प्रारंभिक दिनों में राय मार्क्स के चिंतन को मानव की मुक्ति के एक विश्वसनीय वैचारिक आधार के रूप में देखते थे। इस दृष्टि से राय मार्क्स के चिंतन का लक्ष्य एक ही था। मार्क्स ने मानव को आर्थिक शोषण से मुक्त करके एक वर्गविहीन समाज की स्थापना की कल्पना की थी। राय का उद्देश्य भी एक ऐसी वैचारिक क्रांति करना था जिसके द्वारा मानव हर प्रकार के दमन, अन्याय, उत्पीड़न से मुक्त हो जाए और उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो। अब हम देखते हैं मार्क्स के दर्शन के में जो असहमति के बिंदु थे वो कौन कौन से थे। उसमें हम पहले लेते हैं इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना। राय ने मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या को भ्रामक बताया और अपूर्ण बताया। राय ने अपनी व्याख्या में मार्क्स ने जीवन के आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त महत्वपूर्ण पक्षों की उपेक्षा की है। राय का कहना क्या है कि ये जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है ये भ्रामक और अपूर्ण है। उन्होंने कहा, इतिहास की आर्थिक व्याख्या ने मार्क्सवाद की अपूर्णता को उजागर किया है। इतिहास के ऐसे दर्शन को जो उत्पादन के कारकों के अतिरिक्त मानव जीवन के अन्य पक्षों, विशेषतः विचारों की गतिशीलता की उपेक्षा करता है तथा नैतिक समस्याओं को की अवहेलना करता है, सृजनात्मक सामाजिक गतिविधियों के लिए विश्वसनीय निर्देशक नहीं माना जा सकता। राय का मत है कि मार्क्स ने मनुष्य की गतिविधियों में उसकी स्वयं की इच्छा, विचारों, नैतिक व सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा की है। रॉय ने कहा कि मार्क्स ने समाज को आर्थिक गतिविधियों के संलग्न व्यक्तियों के समुदाय के रूप में देखा तथा उसे उत्पादन के साधनों और उत्पादन की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक परिस्थितियों व प्रवृत्तियों की उपेक्षा की है। दूसरा पॉइंट है मार्क्स के दर्शन पर मानव की स्वतंत्र चेतना की उपेक्षा का आरोप। राय ने मार्क्स के दर्शन पर मानव की जो स्वतंत्र चेतना की उपेक्षा का आरोप लगाया वो किसी हद तक सही है। राय ने आक्षेप लगाया कि मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद मनुष्य की सृजनात्मक क्षमताओं के महत्व को पूर्णतः अस्वीकार कर देता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक दृष्टि से भी उच्चतर जीवन की कामना करता है। राय के अनुसार नैतिक उन्नति की मनुष्य की आकांक्षा का भौतिकवाद से कोई टकराव नहीं है, जबकि आर्थिक कारकों को मनुष्य के जीवन में अतिरंजित महत्व प्रदान करके मार्क्स ने
भौतिकवाद का निषेध किया है तथा मनुष्य के सार्थक भौतिक अस्तित्व की उपेक्षा की है। राय का मत है कि स्वतंत्रता के लिए मनुष्य का उत्कट आग्रह ही सामाजिक व्यवस्था का आधार हो सकता है। राय के अनुसार मनुष्य का यह आग्रह आत्मरक्षण के जीवशास्त्रीय आग्रह का ही एक रूप है। राय मनुष्य की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। वे मनुष्य को राज्य समाज द्वारा आरोपित अनावश्यक निर्बंधनों से मुक्त करना तो आवश्यक मानते ही हैं। आर्थिक नीतिवाद जैसे रूढ़वाद रूढ़ सिद्धांतों से भी उसकी मुक्ति को आवश्यक मानते हैं। अगला पॉइंट है अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना। रॉय ने मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की गंभीर आलोचना की। वे मार्क्स के इस विचार से सहमत नहीं है कि उत्पादन के परिणाम स्वरूप अर्जित होने वाले अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति वर्ग द्वारा हड़प लिया जाता है। ये इसका विरोध करते हैं। वो उनका मानना ये था कि उत्पादन के परिणाम स्वरूप अर्जित होने वाले अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति वर्ग द्वारा हड़प ले जाने के कारण ही श्रमिक का शोषण होता है। यह शोषण ही निरंतर चलने वाले वर्ग संघर्ष का मूल कारण है, मुख्य कारण है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि यदि अतिरिक्त मूल्य के सर्जन को ही शोषण का मूल कारण मान लिया जाए तो समाजवादी व्यवस्था के अधीन भी श्रमिकों का शोषण नहीं रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि रूस की समाजवादी व्यवस्था में जहाँ आर्थिक शक्ति राज्य के हाथों में केंद्रित है, श्रमिक से अधिकाधिक उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु उत्पादन से अर्जित होने वाला सकल मूल्य श्रमिकों के मध्य वितरित नहीं होता है, अपितु यह राज्य के हाथों में सकेंद्रित पूंजी के रूप में परिणित होता जाता है, राज्य द्वारा भविष्य में विनियोग के काम आता है। राय ने यह स्वीकार किया कि पूंजीवाद और समाजवाद की इस दृष्टि से पूंजीवाद और समाजवाद इस दृष्टि से तो भेद है कि जहाँ पूंजीवाद में आर्थिक शक्ति पूंजीपति वर्ग के हाथों में अत्यंत केंद्रित होकर श्रमिकों के अनवरत शोषण का माध्यम बनती है, समाजवादी व्यवस्था में आर्थिक शक्तियाँ राज्य के हाथों में केंद्रित रहती हैं, अतः समाज में कोई अन्य वर्ग श्रमिकों का शोषण करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। किंतु जहाँ तक उत्पादन से अर्जित होने वाले कथित अतिरिक्त मूल्य का प्रश्न है, राय के अनुसार यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में श्रमिकों के पास न जाकर उन लोगों के हाथ में जाता है जो आर्थिक शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं तथा उत्पादन से अर्जित अतिरिक्त मूल्य को पूंजी में परिणित कर देते हैं। अगला पॉइंट है वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना। रॉय ने मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना की। उससे असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व में इतिहास के प्रत्येक दौर में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है। विश्व का इतिहास वस्तुतः वर्ग संघर्ष का इतिहास है। राय का मत है समाज में सदैव से ही एकताकारी शक्ति भी रही है जिन्होंने समाज का विघटन से बचाया है। जहां मार्क्स का वर्ग संघर्ष का विचार इस मूल मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक व्यवस्था में मुख्य निर्धारक और प्रेरक आर्थिक शक्ति होती है, राय का मत है कि आर्थिक कारणों से अतिरिक्त अन्य मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक कारक भी लोगों के व्यवहार और पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। राय ने व्यक्त किया कि यदि समाज में आर्थिक कारणों से भिन्न ऐसे कारण न रहे होते तो विभिन्न लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रहते तो सभ्यता का विकास ही नहीं होता। राय ने इस आधार पर भी वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना की कि इसमें मनुष्य के स्वतंत्र चेतना को आर्थिक कारकों का दास मान लिया गया है। उन्होंने आक्षेप लगाया कि रूढ़िवादी मार्क्सवाद मनुष्य की असीम प्रगति और मानवीय विवेक के वर्चस्व को नकारता है। राय ने कहा कि यदि इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्षों का इतिहास है तो एक वर्गहीन समाज की स्थापना के साथ ही इतिहास के विकास का क्रम रुक जाएगा। राय ने मार्क्स के इस दावे को भी नकार दिया कि साम्यवाद
मानवीय विकास का अंतिम बिंदु होगा तथा समाज साम्यवाद के पश्चात प्रगति संभव नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है वर्गों के ध्रुवीकरण के विषय में मार्क्स की धारणा का विरोध। राय के अनुसार मार्क्स की भविष्यवाणी कि पूंजीवादी समाज में समाज का दो वर्गों पूंजीपति और श्रमिक के रूप में ध्रुवीकरण हो जाएगा सत्य सिद्ध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि औद्योगिक समाजों में मध्यम वर्ग का अंत नहीं हुआ अपितु उसके राजनीतिक महत्व में वृद्धि हुई। राय के समाजवाद को तो मध्यम वर्ग की विचारधारा की संज्ञा दी गई है। राय ने कहा कि सामाजिक आर्थिक क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग के हाथों में ही रहना चाहिए। उनका मत है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सांस्कृतिक और राजनीतिक नेतृत्व वस्तुतः मध्यम वर्गों के हाथों में आ गया है। छठा पॉइंट है हमारा सर्वहारा के अधिनायकवाद की आलोचना। राय ने सर्वहारा के अधिनायकवाद की आलोचना की है। राय ने मार्क्स के सर्वहारा के अधिनायकवाद की आलोचना में कहा उनका मत था कि इस अवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा हो जाएगा। वस्तुतः सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति राज्य में केंद्रित होगी और राज्य एक विशेष वर्ग सर्वहारा का नियंत्रण होगा। राय का मत है कि इस अवस्था से शोषण समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार लास्ट पॉइंट है राज्य के विलुप्त होने की मार्क्स की भविष्यवाणी के प्रति आशंका। राय ने मार्क्स की भविष्यवाणी के प्रति आशंका व्यक्त की वर्गभेद समाज की स्थापना के पश्चात राज्य लुप्त हो जाएगा। राय ने मार्क्स की इस भविष्यवाणी की एक भ्रांति ही नहीं अपितु एक गंभीर असंगति बताया है। राय के अनुसार राज्य का अस्तित्व और राज्य स्वरूप मानव सभ्यता विकास के साथ निर्धारित और रूपांतरित हुआ है। राय ने मार्क्स के दर्शन के सैद्धांतिक पक्षों पर तो आपत्ति प्रकट की है। उनके अनुसार मार्क्स के दर्शन के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए अपनाई गई साम्यवादी विचारधारा में भी गंभीर विकृतियां हैं। इस प्रकार से मार्क्सवाद के प्रति ये आलोचनात्मक दृष्टि थी। राय के विचार में निरंतर विकसित होते रहते हैं। वस्तुतः राय के विचार निरंतर विकसित होते रहे। मार्क्स दर्शन के प्रति असहमति के संदर्भ उनकी एक प्रारंभिक दौर के चिंतन में अभिव्यक्त हुए। स्टालिनकालीन रूस में अपने अनुभव को निरंतर विकसित होते हुए अपने मानवतावादी आग्रह के कारण शहर मार्क्स दर्शन से दूर होते चले गए। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।